चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम एवं उपस्थित समस्त मातृबिंद श्रोतृबिंद गौरगत सज्जन बिंद सभियों को भी मेरा सादर अभिनंदन। अभी अभी प्रभु जी ने बहुत सुंदर कथा सुनाया है ये भक्ति हृदय वन गोश्री महाराज की जी उनकी प्रचार और उनकी प्रवचन की शैली किस प्रकार प्रभुपाद के सारे मनोभीष्ट के उन्होंने पूर्ति किया है? ये वास्तव ये सत्य है। प्रभुपाद के जितने भी गण है यानी प्रभुपाद के चरण कमल को जिस लोगों ने आश्रय कर लिया है उन लोग की महिमा वर्णन करने के लिए एक जिहा में नहीं होगा, हजारों जिहा चाहिए। वास्तविक सत्य है महत अद्भुत शक्ति पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम। प्रभुपाद की चरण कमल की जिन लोगों ने आश्रय किया उनकी महिमा कोई शब्दों के द्वारा अथवा एक जिहा के द्वारा वर्णन करना संभव नहीं है। ये बात सत्य है। प्रभुपाद के जितने भी गण हैं वो गृहस्थ हो अथवा वो त्यागी हो सन्यासी हो, प्रभुपाद जहाँ जहाँ उनके भेजा अपने शक्ति संचार कर देते हैं आसन। क्योंकि सदगुरु जो सदगुरु के ही लक्षण होता है, सदगुरु आदेश देने के साथ ही साथ उसमें क्या करते हैं शक्ति संचार करते हैं है? ये बात सत्य है। जैसे अभी उन्होंने बताया जी श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज और गए जर्मन में देश में गए और विपुल प्रचार भी किया। उन्होंने जो प्रचार किया विशेष करके राज परिवार में प्रचार किया आज जैसे आपने श्रवण किया उनकी भाषा जर्मन भाषा है, जर्मन लैंग्वेज बहुत कठिन लैंग्वेज है। और मैंने भी सुना केवल 7 दिन उन्होंने मांगा, 7 दिन में उन्होंने जर्मन भाषा को पूरा जो है याद कर और इतने सुंदर लेक्चर दिया सभी लोग स्तंभित हो गए। एक इंडियन होकर के ऐसे भाषा बोले सब लोग देख करके आश्चर्य। देखो भक्ति पनगोश्वर महाराज के इंग्लिश जो है बहुत उच्च स्तर की इंग्लिश भी है। उनकी इंग्लिश ग्रंथ पढ़ने के लिए आपको अति अवश्य जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लेना पड़ेगा साथ में, तब आप समझ पाओगे। बहुत ये शब्द अलंकारिक भाषा वो व्यवहार करते थे। उनके इंग्लिश जो ग्रंथ जो है सारे अलंकारिक भाषा जो है बहुत सुंदर बम्बास्टिक वर्ड जिसको कहा जाता है ऐसे शब्द आदि बोलते थे। इसलिए उच्च शिक्षित समाज में उनकी समादर हुई। किंतु देखो यहाँ पर आर्शिल भक्ति वेदांत तो स्वामी महाराज प्रचार कहाँ से शुरू किया है? दोनों की प्रचार की यदि देखे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज साधारण लोगों की से प्रचार उन्होंने शुरू किया और अति सहज सरल भाषाओं के द्वारा उन्होंने प्रचार शुरू किया जिससे साधारण लोग की बोधगम्य आ गया, बोधगम्य समझ में आया। यदि अनेकों अलंकारिक भाषा कहा जैसे बड़े बड़े पंडित लोग आते हैं आज अभी रूप गोस्वामी की तिथि आए बड़े बड़े पंडित इस साल पता नहीं बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे बड़े बड़े पंडित लोग आएंगे और अपने पांडित्य भाषा के जब बोलेंगे साधारण लोग क्या समझेंगे सुनने में तो अच्छा लगेगा किंतु उसको यदि पूछा जाए भाई क्या क्या समझा बोले पाल्ला में कुछ नहीं पड़ा हमारे मथुरा में राधा जी की आविर्भाव तिथि में बड़े बड़े पंडित को बुलाया जाता है कथा जब समाप्त हो जाती है
तो मथुरा के जितने लोग साधारण लोग आते हैं पूछते हैं, बोले महाराज एक बार कुछ पल्ला में नहीं पड़ा, क्या सुनने में तो अच्छा लगता है। पंडितों के भाषा जो है अलंकारिक, इसलिए सुनने अच्छा लगता है, किंतु उसके समझना इतना सहज नहीं होता है कि नहीं, आप बताओ है। इसलिए भक्तिवेदांत तो साईं महाराज की प्रचार की शैली जो है वो दूसरी है, और नित्य अवसर भक्ति हृदय बनकर श्री महाराज के प्रचार की शैली दूसरी है। देखो हर व्यक्ति अपने अपने शैली, शैली समझते कि नहीं, टेक्निक बोलने के जो शैली जो है, टेक्निक जो अलग होता है, इसलिए इतना उन्होंने प्रभाव विस्तार कर नहीं पाया। कौन? भक्ति हृदय बनगोश। किंतु देखो श्रील स्वामी महाराज इसके बाद कितने साल बाद गए, बहुत साल बाद गए, और विदेश में ऐसे प्रचार किया, आज तक भी वो धारा प्रवाहित होते जा रहे हैं, विपुल धारा प्रवाहित होते जा रहे आज सही। मैंने एक बार सुना था जी, एक बार अमेरिका और इंग्लैंड में कहीं भी जो है विशाल धर्म सभा हुई है, उस धर्म सभा में अनेकों जो है भारतीय जो है धर्माचरण कहते हैं, क्या बोलते हैं, जो धर्मगुरु जो है सब आए हैं, बड़े बड़े साहब धर्मगुरु है सब आए हैं, और सभी लोग अच्छे अच्छे वक्तृता दिया है, और अंत में साई महाराज के अंतिम भाषण था, और इसके बाद ही सभापति के भाषण, तो सभी बड़े बड़े धर्मगुरु के भाषण हो गया है, भारतवर्ष की वेद उपनिषद से लेकर के बड़े बड़े श्लोक को तो बोल दिया है, जिन्हें धर्माचार्य गुरु जो है सब वेद उपनिषद के सारे एक एक श्लोक जो है संस्कृत श्लोक सब बोलने लगे है, एक एक से ऊपर जो, और साईं महाराज बहुत सरल रूप में बताया है, जीव के धर्म, आत्मा के धर्म, कृष्ण है, भारतीय सभ्यता संस्कृति है, नित्य धर्म, नैमित्तिक धर्म, वर्णाश्रम धर्म से शुरू करके, जैसे रायरमानंद वर्णाश्रम धर्म से शुरू करके धीरे धीरे ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार साईं महाराज अत्यंत सहज सरल भाषाओं के द्वारा उन्होंने वक्तृता दी। वक्तृता जब समाप्त हो गया, देखो सभापति के जो कार्य होते हैं ना, उनको क्या होता है, जितने वक्ता बोले सभी वक्ता के जो है सार को जो है संक्षेप में बोलना पड़ता है, और फिर उसमें अपना कंक्लूजन देना पड़ता है। तो उस सभा में सभापति इतना ही कहा, देखो जितने बड़े बड़े धर्माचार्य जो आए हैं और उन्होंने अपने जो कथा भी बताया, इसमें हमारे विदेश में जो विचार, उस विचार से कोई अंतर नहीं है, हम भी इधर भी निर्विशेषवादी है, हम भगवान है, हम भोग में लिप्त है, धन संपत्ति हमारे अतुल है। तो ये लोग जो बड़े बड़े धर्माचार्य जो, उन्होंने जो कुछ भी कहा सब हमारी बारी में ही कहा है, निराकार निर्विशेष विवेकानंद ने क्या कहा, चलो आपके बताता हूं है, बड़े बड़े तो भक्ति दे दिया, शरीर पतन, शरीर के अच्छी तरह से तंदुरुस्त